रोज अशर दे बनेगी गल साड़ी रोज अशर दे बनेगी गल साड़ी बिछड़े होया ते मिलन दा पाजी होना एक दूजे तू मिलेगा हर कोई साडा आका नू वेख के राजी होना साडा आका नू वेख के राजी होना लैणे कमली हेठ लुकाए आना आसी उमती जेड़ा ना लाजिया बख्शे जावांगे असी निशान सोफे साडे नबी ने अशर दा जाजिया साडे नबी ने क्योंकि मैनू अरशे मियां साहब की दरबार तो अलाट होइए तो मैं फिर कोशिश करना वे उन्हें अगे ही झुकया रहा किसी शायद की होर लोड़ ना पवे इस संगत उत्ते जिहड़ी संगत तुसी करोगे उस संगत नाल तुहानू मैशर दे विच उठा लिया जाएगा पर संगत उत्ते शेर जिन्हां नाल तुरो उन्हां नाल मुखलस होकर तुरो फिर पिछू उन्हां दे शिकवे शिकायतां ना करो वी उह इंज दा या तो किसी नूं यार कहो ना सरवर फरियादी साहब दे जे कदे मूँह यार कहो तो फिर यार ही कहो फिर उसनों डंग मारना बनो लिखण वाले लिखते ने ए जिस रुख दे ठिया राम करिए पत्थर लैके उसनू मारिए ना जिसनू एक बारी मूह यार कहिए लाया उसका फेर गुजारिए ना जिस दे नाल आराम दी घड़ी गुजरे जिस दे नाल आराम दी घड़ी गुजरे ओ वसारे ते आप वसारिए ना वारस निबना सके जे दोस्त फेर दोस्ती दे दम मारिए मियां साहब ने 9294 शेर सैफ बंदूक दे विच लिखे आप लिखते हैं मैं अंजील जबूर तुरैत और कुराने पाक का तर्जमा किया है 9294 दे विचों एक शेर मैं सिर्फ मियां साहब का पेश कर रहा हाँ फरमांदे हो रब्बा वादा रब्बा वादा इन्ना दीदार दसन दा यार मेरे दी सूरत बन के ओ दिसे ता मन मल दा यार मेरे दी सूरत बन के ओ दिसे ता मन मल दा तेला भी जदों किसी सूरत विच आवेगा यार दी सूरत विच ही आवेगा इस वास्ते मियां साहब ने जिहड़ी गल कीती है इस गल वल ध्यान रखना यार मेरे दी सूरत बन के दिसे ता मन मल दा अस्सलामु अलैकुम।